हेलो एवरीवन, जब हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो प्राचीनतम यानी आरंभिक जो इतिहास है वो संगम युग का पाया जाता है। और इसकी हमें जो जानकारी है वो विभिन्न स्रोतों से मिलती है, जो कि साहित्यिक स्रोत भी हैं और जो संगम युग के समय पे समाधियां होती थी उनसे भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। समाधियाँ जैसे कि उस टाइम पे थोड़ी अलग टाइप की समाधियाँ होती थी, पाषाण यानी पत्थरों को काट के वर्गाकार या आयताकार जो है उसमें काट के और फिर उसमें रखा जाता था, उसको ढका जाता था पत्थर से ही, उस तरह की समाधि होती थी। कभी वो पत्थर ऊपर थोड़ा ज़मीन के ऊपर रखते थे, कभी वो ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे, कभी कुछ पिलर्स लगा के उनके ऊपर रखे जाते थे, कभी वो ट्राइगोनल पिरामिड या फिर डोम शेप के होते थे। तो अलग अलग टाइप की समाधियों का भी जिक्र है, उनको पाया गया है अवशेषों में। और उसमें कहीं शव के अवशेषों को एक छिद्र के माध्यम से उसमें डाला जाता था जलाने के बाद, और उन समाधियों में उसके शस्त्र अस्त्र भी रखे जाते थे। तो इस तरह के कई 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 विभिन्न प्रकार की जो हैं उसमें समाधियाँ और उनसे रिलेटेड चीज़ें पाई गई हैं, उनसे भी हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत का बहुत बड़ा भंडार है, जो है संगम युग में जो है जो प्राचीनतम जो उसके साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य, वो तो नहीं मिल पाए हैं क्योंकि संगम काल के जो हैं तीन संगम समागम हुए थे, जिसमें कि आपका दो काल के दो शुरुआती टाइम के नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अंतिम जो है संगम उसका है वो मिल गया है हमें। अच्छा, तो साहित्य के अगर बात करें तो संगम एक तरह का सम्मेलन था कवियों का, और ये मदुरई में होता था, पांड्य शासकों के संरक्षण में होता था। और संगम काल उससे हमें संगम काल की जानकारी मिलती है, उसमें तीन बड़े राजवंशों की जानकारी मिलती है, पांड्य, चेर और चोल। पांड्य जो थे उनका जो राज चिन्ह था वो धनुष मछली था, और चेर जो थे केरल वाले, उनका जो आज का वर्तमान समय केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु वाला एरिया, वो उनका उनका चिन्ह धनुष था। और फिर आपका एक बाघ था पांड्य जो चोलों का बाघ था। तो इस तरह से ये हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस साहित्य से हमको और भी अनेक स्रोतों से मिलता है कि कई प्रकार की भूमियों का वर्णन है उसमें, और सात आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जैसे उत्तर भारत में है। और उत्तर भारत के बहुत सारे जो है कला और संस्कृति का भी इसमें संगम युग में हमें देखने को मिलता है कि कैसे आर्यों के आगमन के बाद जो उनका जो धार्मिक जो प्रभाव था वो भी यहाँ पड़ा था। जैसे यहाँ विष्णु की पूजा मिलती है, और फिर उसके बाद महाभारत की भी डिटेल्स मिलती हैं, रामायण के जो काल के सब थे उनकी रामायण की स्टोरी भी यहाँ प्रचलित थी। तो इस तरह से कई सारी जो डिटेल्स हमें संगम काल के संगम एज की मिलती हैं। इसमें हमें भूमि के अगर बात करें तो मैं भूमि का डिटेल बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्र की भूमि, समुद्री क्षेत्र की भूमि, उर्वरा भूमि, फिर बंजर भूमि, और इस तरह से समुद्र के जैसे किनारे गांव, जैसे पट्टनम जिसे बोलते थे, सबके अलग अलग नाम हैं, जैसे मुलय, परय, पलय, पट्टनम, और इस तरह से थोड़े सभी ये भूमि के टाइप्स हैं। फिर विवाहों के टाइप्स दिए हुए हैं। और संगम जो काल का जो साहित्य है वो मुख्यतः कवियों का जो है कविताएं महाकाव्य का संकलन है। महत्वपूर्ण कवियों जैसे
तिरुवल्लुवर जो थे और तोलकापियर, इस तरह के बड़े साहित्यकार हुए और भी अनेक हुए और इतना भंडार है उसका। तोलकापियर ने तोलकापियम लिखी जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महाकाव्य है। और इस तरह से हम इन तीनों जो राजवंश हैं इनके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं और फिर ये संगम युग, इस तरह से दक्षिण काल का भी हम इतिहास कवर करेंगे। संगम काल जो था वो उत्तर के जो राजवंश थे उनसे काफ़ी भिन्न था। इसमें सामाजिक स्थिति अलग थी लोगों की, स्त्रियों का काफ़ी सम्मान था, विवाह जैसे 8 प्रकार के विवाह उत्तर में हैं वैसे 8 प्रकार के विवाह यहाँ भी डिस्कस हुए हैं, और दास प्रथा का प्रचलन था, अभाव था यहाँ पे, जैसा कि उत्तर में थोड़ा बहुत दास प्रथा के बारे में डिटेल्स मिलती लेकिन यहाँ दास प्रथा नहीं थी। उत्तर में जैसे समुद्र की यात्रा करने की मनाही थी तो दक्षिण में समुद्र की पूजा होती थी और इस तरह से, और व्यावसायिक जातियों के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स होती। ये सारे साक्ष्य जो हैं ऐतिहासिक ये हमें बताते हैं इसके, इस काल के इतिहास के बारे में। दक्षिण भारत में जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनमें एक तो संगम काल का जो साहित्य है, जो महाकाव्य बहुत सारे हुए हैं वो, उनसे हमें कुछ प्राप्त होती हैं यहाँ के राजवंशों के बारे में डिटेल, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो समाधियाँ हैं उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, शिलालेख हैं उनसे। तो उत्तर में अगर जाएँ तो हमें धार्मिक ग्रंथों जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, जैन साक्ष्य हैं, बौद्ध साक्ष्य हैं। जैन साक्ष्य में हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो कर्नाटक जाने की स्टोरी है, जो भद्रबाहु के साथ सलेखना विधि से प्राण त्यागने की, वो भी है। तो कर्नाटक यानी वो साउथ जाते हैं तो वो डिटेल्स भी हमें बताती हैं कि वहाँ का काल कैसा था। और इसके अलावा संगमकालीन महाकाव्यों में शिलप्पादिकारम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो ऐसा स्रोत है जिससे हमें लगभग वहाँ की बहुत बड़ी डिटेल्स हमें मिलती हैं, बहुत उल्लेख है उसके बाद यहाँ के शासकों के बारे में उसमें। अच्छा, संगम साहित्य संगम के आयोजन के बारे में बात करें तो 3 संगम आयोजन हुए थे। प्रथम जो है मदुरई में हुआ था, उसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, उनको अगत्यार भी कहा गया है। और इससे हमें जो उपलब्ध जो भी ग्रंथ हैं वो कुछ भी नहीं प्राप्त हुए हैं, मतलब एक भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है क्योंकि वो सभी नष्ट हो चुके हैं। द्वितीय से हमें एक प्रमुख तोलकापियम मिला है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो। और तृतीय जो ग्रंथ है वो, तृतीय जो संगम था उससे हमें कुछ अधिकांश जो हैं लिटरेचर मिले हैं, उसी से हमें संगम काल के बारे में डिटेल मिल पाती है। यहाँ के तीनों राजवंशों के बारे में यानी चेर, चोल और पांडे राजवंशों के बारे में बात करें तो चेर राजवंश जो है केरल यानी पर्वतीय प्रदेश जो था उधर का वो कहा गया है। और चेर शब्द तमिलनाडु के तमिल भाषा के चेर शब्द का अर्थ भी है पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें जो प्रमुख शासक था वो उदयन जेरल था, और ये उदयन जेरल के बारे में एक बात यह है कि कुरुक्षेत्र में हुए जो महाभारत काल के युद्ध है, कुरुक्षेत्र में योद्धाओं को इसने बड़े पैमाने पर भोजन करवाया, और ये एक इसकी बड़ी इससे इसकी बड़ी ख्याति हुई थी। और एक दूसरा जो यहाँ का प्रमुख जो प्रतापी शासक था वो लाल चेर कहलाया, यानी शेन गुट्टवन उसे कहते हैं, शेन गुट्टवन उसका नाम है, उसे लाल चेर भी कहा गया है। उसने पत्तिनी पूजा का प्रारंभ करवाया था। पत्तिनी पूजा एक तरह का संप्रदाय था और जिसमें स्त्री पूजा पर बड़ा ध्यान वो किया था। और इसने 9 चोल शासकों को पराजित किया था, एक तरह से ये काफ़ी प्रतापी शासक था। फिर चोल राज्य के बारे में देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, चोल राज्य वो नवीन प्रदेश था, और इसके प्रमुख शासकों में करिकाल एक प्रमुख शासक था, उसने श्रीलंका तक विजय की थी और सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसने उसको पदच्युत यानी उसको हटा दिया गया था, फिर उसके बाद उसको बंदी बना के रखा गया था। उसने
वहाँ से बंदी से छूटने के बाद फिर से वो शासन में वापस आता है, किस तरह से फिर युद्ध करता है बहुत सारे और फिर जीतता है। तो इस तरह से वो काफ़ी प्रतापी शासक था। उसके बारे में डिटेल जो है शिलप्पादिकारम नामक ग्रंथ में बड़ी मात्रा में डिटेल है। ये भी कहा गया है उसमें कि वो हिमालय तक इसका जो परचम था वो था, तो वैदिक यज्ञ भी करवाए उसने। तो ये बड़ा एक प्रतापी शासक था करिकाल इस चोल राज्य का। पांड्य राज्य के बारे में देखें तो नेडियोल इसका प्रथम शासक था। इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक जो था वो नेडिनजेलियन जो था वो था नेडुनजेलियन। तो इसके बारे में यह है कि इसने तलाई आलंगानम का युद्ध जो है जीता था। इस युद्ध को जीतने के कारण इसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और वो चोल और चेर शासकों और अन्य पांच मित्र सामंतों के गुट को पराजित करके इसने ये युद्ध जीता था। तो कवि कवि और विद्वान उस टाइम के कवियों और विद्वानों को इसने काफ़ी संरक्षण प्राप्त संरक्षण दिया था। और यही थी डिटेल थोड़ी थोड़ी इन राजवंशों के बारे में। अगर इनके प्रशासन के बारे में बात करें तो एक तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तीनों राज्यों में, चेर चोल और पांड्य में। और इनके जो राजा था वो वंशानुगत होता था और पुरुष ही राजा बनता था। यहाँ महिला शासक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और यही और दीवानी फौजदारी इस तरह के न्याय व्यवस्था थी, दोनों मुकदमे होते थे और उनमें जो सर्वोच्च जो वो था वो न्याय जो है राजा के हाथों में ही था। और अपराधों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे। ये एक प्रशासनिक जो था। अगर सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का भी प्रभाव यहाँ दक्षिण की संस्कृति में मिलता है। तो जैसे रामायण और महाभारत की कथाएं हैं यहाँ भी प्रचलित थी और तमिल राजाओं द्वारा महाभारत के सैनिकों को भोजन कराना, शिव द्वारा त्रिपुरी का विध्वंस और कृष्ण का असुरों का युद्ध कृष्ण के साथ, और इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं तो संगम साहित्य में। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी उत्तर का यहाँ पड़ा है। और स्त्रियों की स्थिति कहें तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और जो विवाह है सामान्यतः जो एज है लड़की की वो 12 से 18 वर्ष तक की बताई गई है। और फिर इनके जो सामाजिक जीवन है इनको अगर देखा जाए तो 4 वर्णों में ये भी अपने आप को विभाजित करते हैं। इनका समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसके अतिरिक्त जैसा शासक वर्ग ब्राह्मण वैश्य और कृषक, लेकिन इनके अलावा भी कई तरह के अलग विभाजन भी हैं। जैसे कुछ जो है व्यापारिक जातियां हैं और जनजातियां हैं और शिकारी जातियां हैं, डकैती करने वाले उनकी अलग एक कैटेगरी है, रस्सी बुनने वाले। इस तरह की छोटी मोटी डिटेल्स जो हैं संगम साहित्य में दी गई हैं। तो ये इनकी ये थी आर्थिक व्यवस्था में स्त्रियों का एक बड़ा योगदान था आर्थिक कार्यकलापों में। और वो वस्त्र बुनती थी, उस समय का सूती वस्त्र बहुत ही मतलब काफ़ी विख्यात था, विश्व विख्यात था। और इतना था कि सांप का जो केचुला होता है जो वो अपना छोड़ता है जो कपड़े जैसा, उतने महीन कपड़े की बुनाई तक के उल्लेख बताए गए हैं। और भी जैसे पशु पालन और विनिमय व्यापार धन और इस तरह से मछलियों का व्यापार और जहाज़ों का निर्माण, ये सारी जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक क्रियाकलाप
और विस्तृत और वृहद तरीके से होते थे। धार्मिक स्थिति बताएं तो जो भी अगस्त ऋषि से जो हमें डिटेल मिलती हैं, और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जो है अगस्त ऋषि बड़ी भूमिका निभाते हैं, और मंदिरों का स्थापना होता है। पांड्य राजवंश में पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण होते थे, तो उत्तर का भी प्रभाव यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में पड़ा। और शिव, बलराम, विष्णु, इन डाइटीज़ की पूजा होती थी, और ये सब कृष्ण के बारे में काफ़ी ज़्यादा, और इंद्र की पूजा भी होती थी, तो पशु बलि और इस तरह के धार्मिक कर्मकांड भी देवताओं को समर्पित किए जाते थे। और स्त्रियों और बच्चों के साथ मंदिरों में उपासना की जाती थी। ये अलग प्रकार की संस्कृति होते हुए भी उत्तर का भी बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ता है। और कला और स्थापत्य के बारे में बताएं तो बड़े जो घराने थे, जो जो रईस मतलब धनी वर्ग था, उस उनका घर जो है ईंटों से बनता था, यानी ईंट और चूने से बनाई कुछ गारे जैसी चीज़ होती थी उससे बनता था। लेकिन अमूमन जो आम लोग थे, निर्धन लोग, जो वहाँ के कला और स्थापत्य में आम और निर्धन लोग थे, उनकी जो जो थे वो झोपड़ पट्टियों जैसे होती थी घर। लेकिन जो धनी वर्ग था, जो रिच पीपल थे, उनका घर ईंटों से बनता था, चूना और ईंटों से बनाया जाता था। और नगर निर्माण की बड़ी अनूठी परंपरा थी वहाँ, मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर बड़े अच्छे तरीके से हुआ था, तो वहाँ कला और स्थापत्य भी काफ़ी प्रभावशाली रहा है संगम काल में। धार्मिक स्थिति में मैं बता चुका हूँ, ऋषि अगस्त जो है उन्होंने वैदिक धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया यहाँ दक्षिण में आकर, और चूंकि वो संगम सम्मेलनों में भी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लिया है भाग, तो वो दिखाता है कि पांड्य राज्यों में ये जो पुरोहितों का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है, और आर्थिक व्यवस्था में अलग अलग तरह के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे जहाज़ों का निर्माण, मछलियों का विनिमय, व्यापार, और कपड़ों का, सूती कपड़ों का जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ स्त्रियों के द्वारा, और फिर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र छोटे छोटे शहरों को बना देना। और सांस्कृतिक जीवन में देखें तो रामायण, महाभारत, इस तरह से उत्तर का भी काफ़ी प्रभाव दक्षिण पर पड़ता है। लेकिन दक्षिण की अपनी अलग एक बड़ी पहचान और संस्कृति रही है, जो कि भौगोलिक जो है, जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न है, उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत हद तक अछूती रही है, लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ा है। तो संगम काल का ये छोटा सा इतिहास था, लेकिन अगर देखें तो बहुत वृहद तरीके से अगर अध्ययन करें तो छोटी छोटी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी बुक्स में, यू कैन रीड। सो फॉर नाउ थैंक यू।